सिवान के इस मुखिया की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। बीडीओ साहब ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस कर रही है मुखिया की तलाश, कहीं भी देखेंगे तो पुलिस लगा देगी हाथों में हथकड़ी। बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान की एक मुखिया पर बीडीओ साहब ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पूरी खबर आपको बताते चलें कि महाराजगंज प्रखंड की पटेड़ा पंचायत के मुखिया शेषनाथ सिंह पर मुकदमा दर्ज हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार का मामला छिपाकर किए गए नामांकन के विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव ने सिवान जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से कार्रवाई करने से संबंधित सूचना आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर महाराजगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ. रवि रंजन ने महाराजगंज थाना में एक आवेदन देकर प्रखंड की पटेड़ा पंचायत के मुखिया शेषनाग सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताते चलें कि आयोग के उप सचिव ने सिवान जिला अधिकारी को अपने दिए पत्र में कहा कि पटेड़ा निवासी प्रभात कुमार शाही ने राज्य निर्वाचन आयोग में पटेड़ा पंचायत के मुखिया शेषनाग सिंह पर मुकदमा और भ्रष्टाचार के मामले को छिपाकर किए गए नामांकन के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पत्र जमा किया था। जांच के क्रम में त्रुटि पाए जाने पर मुखिया शेषनाग सिंह की सदस्यता भी जा सकती है। इस संदर्भ में महाराजगंज थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, जो भी उच्चतम कार्रवाई होगा किया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही मुखिया है जिन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।